नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में iQOO Z9 Turbo 5G versus Realme 13 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 Turbo में 6.45 इंच जबकि 13 Plus में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9 Turbo से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9 Turbo में 2.99 इंच जबकि 13 Plus में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z9 Turbo से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z9 Turbo में 0.31 इंच जबकि 13 Plus में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 Turbo में 194.9 ग्राम जबकि 13 Plus में 185 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9 Turbo में AMOLED जबकि 13 Plus में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 Turbo में 6.78 इंचेस जबकि 13 Plus में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9 Turbo में 1260x2800px FHD+ और 13 Plus में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 Turbo में 89.34% जबकि 13 Plus में 88.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 Turbo में 453 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 13 Plus में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 Turbo में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 13 Plus की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 Turbo में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 13 Plus की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 Turbo में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 13 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9 Turbo में Adreno 735 जबकि 13 Plus में Mali G615 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 Turbo में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और 13 Plus में MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी मिलता है। बात करें रैम की तो Z9 Turbo में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 12GB 16GB की रैम मिलती है, जबकि 13 Plus में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Z9 Turbo में 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 13 Plus में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9 Turbo में जबकि 13 Plus में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी Z9 Turbo में 6000 mAh जबकि 13 Plus में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Z9 टर्बो में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹23,430, 16 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹26,945 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 13 प्लस की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹22,999, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹24,999, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ ₹26,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z9 Turbo 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme 13 Plus 5G की तो उसमें 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है, तीसरा Vivo S19 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo S19 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।